जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 8 और मैंने ऐसे करते हुए बहुत से यूट्यूबर्स को देखा है। मुझे समझ नहीं आता क्या उनका कैमरा वेट कर रहा होता है या वो एक्टिंग करते हैं। ऑब्वियसली एक्टिंग ही करते होंगे। और हमारे साथ भी दो एक्टर हैं यहाँ पर। एक तो है ये देखो शिनचैन मन्नी सिंह और एक ये यशी सिंह। दोनों एक्टर हैं, ये भी सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। सोने ये देख लो मेरा एक्टर। चलो उठे, जय माता दी कह दो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तेज तो बोलो, नमस्ते। जय माता दी, जय माता दी। जय हिंद, स्वागत है आपका उत्तराखंड में। हम हैं पवित्र हरिद्वार में। हरिद्वार में पंच तीर्थ के नाम से जाने जाने वाले 5 तीर्थ हैं, जिनमें से एक माँ चंडी देवी का मंदिर है, एक कुशा घाट है, एक हर की पौड़ी है, एक बिल्केश्वर मंदिर है और एक है ये माँ मनसा देवी का मंदिर। तो हम पहले माँ मनसा देवी के दर्शन करेंगे। और माँ मनसा देवी का मंदिर बिल्कुल जो रास्ता है वो जाने के लिए बिल्कुल होटल के साथ से ही है। तो भैया आ गए हैं, तो यही हमें गाइड करेंगे, यही दिखाएंगे अपना शहर हरिद्वार आपको और हमें। चलिए चलते हैं। माँ मनसा देवी के दरबार में पैदल भी जाया जा सकता है, लेकिन हम लोग उड़न खटोले से जा रहे हैं क्योंकि बच्चे साथ हैं, वो थक जाएंगे। कितनी चढ़ाई कितनी है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। मैं पहले 2 बार गया हूँ तो पैदल ही चढ़ जाते थे, इस बार बच्चे साथ हैं तो पैदल ना जाके उड़न खटोला करेंगे। उड़न खटोले का जो रेट है वो आपको बताते हैं। चलो जी, बहुत ही अच्छा नजारा है पीछे और हम उड़न खटोले पे हैं। और मन्नी को ये उड़न खटोला क्या लग रहा है? मन्नी क्या है ये? क्या बेटा ये? सीढ़ी। ये क्या है? ये किस पे बैठा मन्नी? ये ऑटो फ्लाई कर मन्नी के लिए ऑटो है। और सच में इसके लिए ऑटो है क्योंकि जब ये बड़ा हुआ है तब से लॉकडाउन हो रहा है, तब जब से समझदार हुआ तब से लॉकडाउन हो रहा है। अभी ये 3.5 साल का है, लगभग 1 साल से लॉकडाउन है, तो इसकी ज़िंदगी घर में ही कटी है और बाहर ये अभी निकला है समझो आप। इससे पहले ये गया था पेरिस एम्स्टरडेम वगैरह, लेकिन ये 10 महीने का था तब, इसे कोई समझ नहीं थी। अभी इसको थोड़ी बहुत समझ आई है। तो मन्नी क्या है ये? ऑटो। ये ऑटो है। खैर बहुत ही खूबसूरत पीछे का नजारा है, मजा आ गया। और माँ का मंदिर ऊपर दिख रहा है। जय माता दी। खटोले पे भी भीड़ बहुत थी, लेकिन हमारे अग्रवाल साहब की यहाँ जान पहचान है तो मिल गई, लाइन में नहीं लगना पड़ा। 251, कोई बात नहीं। जय माता दी।
जय माता दी जी। जय माता दी। माँ मनसा देवी को हर मंशा को पूर्ण करने वाली माँ कहा जाता है। यहाँ पर मांगी गई दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। तो मैं दुआ करता हूँ कि कोरोना वायरस जल्दी ख़त्म हो इस दुनिया से और माँ हम सबको आज़ादी दिलाए। हम लोग जैसे जी रहे थे अच्छी ज़िंदगी वैसे ही जिए और ये कोरोना वायरस जल्दी से भाग जाए। जय माता। जय माता दी। जी गुरु जी। लाल सिंदूर में माँ भगवती मनसा माता है और काले में महिषासुर तो राक्षस है। माँ का दुर्गा का रूप है। माता का प्राचीन काल में जब महिषासुर नामक दैत्य का पूरे ब्रह्मांड में अत्याचार था तब सभी देवता त्राही त्राही करके ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के शरण में गए और त्रिदेव से अपनी प्रार्थना करी कि हे भगवान हे प्रभु इस महिषासुर नाम दैत्य से हमारे को छुटकारा दिलाइए इसका वध कीजिए। तब क्रोध में उद्दित होकर त्रिदेव के मुख से एक तेज निकला जो एक जगह जाकर समन्वय हुआ। उससे माँ भगवती माँ दुर्गा का प्रकट उत्सव हुआ। माँ जब प्रकट हुई उसके बाद माँ भगवती ने सभी देवताओं की मनसा को पूरी करते हुए महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी के नाम से उसी दिन से कहलाई और माँ आज सभी भक्तों की जो भी इस दर पे आके अपनी मनोती के लिए धागा बांधता है उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है माँ। यही माता की जय माता। जय माता। जय माता। जय माता। जय माता दी। शंकर भगवान की जय। ओम नमः। नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और आज भी काफी भीड़ है लेकिन शुभम भाई की वजह से कहीं भी लाइन में नहीं लगना पड़ा। मनसा देवी उड़न खटोला में भी लाइन में नहीं लगना पड़ा। सीधी एंट्री हो गई और यहाँ माँ के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो फिर से शुक्रिया है भाई का शुभम जी का। और अभिषेक भाई शॉप पे हैं वो आ नहीं पाए लेकिन मजा आ गया आनंद आ गया माँ के दर्शन करके। और हरिद्वार आए माँ ने बुला लिया और इतने बढ़िया तीर्थ हो रहे हैं अभी स्टार्ट हुआ है। तो पहले दर्शन बहुत अच्छे हुए माँ मनसा देवी के और जो दुआ है वो माँ मनसा देवी से कोरोना वायरस के लिए की है कि जल्दी से ये भागे कोरोना वायरस हमारी दुनिया को छोड़ के। और ये अपना यश आज कैमरा संभाल रहा है तो कहीं कहीं ना भी दिखे तो ध्यान रखना कैमरा मैन यश है। पूरी वीडियो नहीं दिखा कोई बात दिख रहा हूं, लेकिन हेलो YouTube का फैन है ये। आप जय हिंद देसी बाप के विलायती छोरे हैं। ये मेरे पीछे वो वृक्ष है जहाँ पर लोग मनोकामना का धागा बांधते हैं
और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पर आकर वो धागा खोल देते हैं। तो यहाँ से पंडित जी धागा दे रहे हैं और जो भी श्रद्धा हो वो चढ़ा दो कह रहे हैं, तो जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और पीछे जो माँ का पवित्र पेड़ है उस पर धागा बांधने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बांध देते हैं कोरोना वायरस के नाम का धागा, भाग जा कोरोना। कोरोना तो माता रानी भगाएंगे, हम क्या भगा देंगे ना, तो बहुत जल्द ये बांध दिया। तो हम माता रानी भगाते, बहुत अच्छी बात है, जगत का कल्याण, जगत का कल्याण। और माँ मनसा देवी के मंदिर से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है जो कि शुभम भाई ने बताया है, और वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। शायद कैमरा उसको कैप्चर ना कर पाए उस ब्यूटीफुल व्यू को, लेकिन कमाल का व्यू है। माँ के चरणों के पास ही ये जगह है, बिल्कुल माँ के मंदिर से निकलते ही टावर वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन खड़े होकर जो यहाँ का अद्भुत नज़ारा है वो कमाल है। पूरा हरिद्वार दिखाई देता है, शायद शुभम भाई की आवाज़ ना आई हो, मैं बता दूं यहाँ से, और कोशिश करते हैं कैमरा में इस व्यू को कैद करने की। मन्नी अच्छा लगा? सबसे बढ़िया बात है। हमें चीज़ा। ओके इसका जो है? इसकी टेप उतारो। क्यों? उसे अच्छा नहीं लगती। अच्छा। ये? ये उतारो। नहीं, जो बच्चे इनको खोलते हैं ना उनको फिर ये भूत बाबा पकड़ता है, गंदे बच्चों को पकड़ लेता। आप तो अच्छे बच्चे हो ना? आप अच्छे हो गंदे हो? नोना नोना कौन होता है? मैं। अच्छा कौन होता है? अच्छा मैं। भाई क्या है? भाई कौन है? भाई आश। अच्छा है गंदा है? नोना। नोना चाचू कैसे हैं? चाचू अच्छे हैं गंदे हैं? ये ताल गलत। ये वही थे उतारना। नहीं कुछ भी नहीं उतारना, शरारती बच्चा। माँ मनसा देवी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, और ऐसे दर्शन नहीं हो पाते शायद अगर शुभम भैया नहीं होते। ये हमारे नेता जी हैं, पूरी पकड़ है भाई इनकी बाजार में। अरे नहीं। आता जाता हर कोई इन्हें सलाम कर रहा है, मैं तो देख के हैरान हूँ। असली सेलिब्रिटी ये है यहाँ के ना, हरिद्वार के। हमारा गांव हमारे हरिद्वार बता रहे हैं। भाई 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 चलिए चलते हैं किसी और जगह पे, किसी और तीर्थ पे। जय हिंद, जय माता दी।